टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मोती झील चंपारण की जीवन धारा और पहचान है और इस ऐतिहासिक धरोहर की जलकुंभी के जकड़ में फंसता हुआ देख मोतिहारी जिलाधिकारी ने अहले सुबह तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, जनता और एनसीसी कैंडिडेट के साथ शुरू की मोती झील की सफाई अभियान और देखते देखते जलकुंभी के एक बड़े हिस्से को साफ कर लिया गया। बताते चले, मोती झील मोतिहारी शहर के लिए वरदान है। जब मूसलाधार बारिश होती है और नदियां उफन कर मोती शहर पानी पानी कर देती है, उस वक्त मोती झील अपनी गोद में बाढ़ के पानी को समेट लेती है और शहरवासियों को सुरक्षित रखती है। पर्यावरण संरक्षण में मोती झील की अहम भूमिका है। ये अलग बात है कि मोती झील को जमीन माफियाओं ने सिकुड़ने को विवश कर दिया है, इसकी कल कल बहती धार को रोक दिया है और सीमित जगह पर बहने को विवश किया है। 2018 में प्रधानमंत्री ने 22 करोड़ रुपए आवंटित कर मोती झील को पर्यटन स्थल बनाने का शुभारंभ भी किया था। राजनीतिक पेंच में आज भी मोती झील बांट जो रही है। भला हो जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने एक सेवक की भांति इसके मर्म को समझा और श्रमदान कर जुट गए सफाई अभियान में। और बताते हुए कहा कि मोती झील के इर्द गिर्द मोतिहारी का जीवन है और इसे साफ रखना नैतिक दायित्व भी। मोतिहारी का ऐतिहासिक मोती झील के सफाई अभियान की आज आपने शुरुआत पुनः शुरुआत कर दी है। खुद से आकर आप सफाई कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखो, हमारी सफाई अल्टीमेटली हम ही को करनी है। स्वच्छता से स्वच्छाग्रह एवं ये सत्याग्रह की भूमि है। संकल्प यही है कि मोती झील जो यहाँ के लंग्स है इस पर्यावरण के, और मोतिहारी शहर चंपारण की अस्मिता भी है, सुंदरता का प्रतीक भी है, लेकिन जलकुंभी हो या बाकी अर्बन वेस्ट है, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता को कमी आई थी। तो इसी को जन सहभाग से सुधारना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। साथ ही में जो है ये जो मोती झील है, ये फ्लड मैनेजमेंट का भी काम करता है। तो अतिरिक्त बारिश में यहाँ से पानी बाहर ले जाना इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का बैलेंस भी यहाँ पे कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी और होती आ रही है। यहाँ पे एक रोइंग क्लब भी था जो एक अच्छी तरीके से काम करता था, और ब्रिटिश टाइम से जो है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होते थे। उसको भी जो है धरातल पे उतरना, ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा। घाट भी यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें छठ भी लोग करते हैं। साथ ही कई सारे पार्क भी इसके अवस्थित है इसके अगल बगल में। तो जितना इसका लेंथ है, तो बहुत ही अच्छे वाटर स्पोर्ट्स, पर्यावरण, उसके बाद पर्यटन के बहुत सारे अवसर जो है मोती झील में है। इम्पोर्टेंटली ये रोजगार का साधन भी है कुछ लोगों के लिए। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट ऑफ मोतिहारी शहर है, इसी लेक के अगल बगल घूमता है। तो इसी के लिए जो है जनसभा के माध्यम से, नवयुवक के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा ये प्रयास शुरू किया जा रहा है। आज पहला दिन है, लेकिन ये कंटिन्यू हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू।